हेलो एवरीवन, मिस्टर योगेश का एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो देखें, ऑपरेशंस कहते हैं उन तमाम सेट ऑफ एक्टिविटीज़ को, उन तमाम सेट ऑफ मेथड्स को विच प्रोड्यूसेस एंड डिलीवर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ऑपरेशंस हार्ट बीट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस के बगैर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। अब चाहे वो स्मॉल स्केल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मीडियम स्केल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या लार्ज स्केल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। मीन्स ऑपरेशंस मैनेजमेंट इज डेवलपमेंट, एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल एक्टिविटीज, ऑल मेथड्स, ऑल प्रोसेसेस। वो तमाम एक्टिविटीज, वो तमाम प्रोसेसेस जो कि बार बार परफॉर्म की जाती हैं, या अगरचे तो वन टाइम कोई मेजर प्रोजेक्ट है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिक गोल्स को जो है वो अचीव किया जा सके। ऑपरेशन मीन्स द एग्जीक्यूशन। ऑपरेशंस आपका जो बिजनेस मॉडल है उसे ड्राइव करता है, आपके प्रोसेसेस की मैपिंग को परफॉर्म करता है, आपके प्रोसेसेस को मैनेज करता है, और जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसे इवेल्युएट करता है, और जो आपकी प्रोडक्टिविटी है उसे कैलकुलेट भी करता है। अब आ जाएं जी ज़रा सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज़ फुल ऑफ ऑपरेशंस। अब चाहे वो लॉजिस्टिक्स है, वेयरहाउसिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, इन्वेंट्री है, प्रोक्योरमेंट है, या इनके अलावा भी जो सप्लाई चेन डोमेन्स हैं, इन तमाम डोमेन्स में एग्जीक्यूशन के लिए ऑपरेशंस को जो है वो परफॉर्म किया जाता है। जैसा कि अभी कुछ देर पहले भी हम ये बात कर चुके हैं कि एग्जीक्यूशन इज़ ऑपरेशन। अब ऑपरेशंस मैनेजमेंट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मेजर डिफरेंस ये है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो मैनेज करती है सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट को, मूवमेंट ऑफ मटेरियल को और मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट को, जबकि ऑपरेशंस मैनेजमेंट उन तमाम तर प्रोसेसेस को मैनेज करती है, उन तमाम तर फंक्शंस को मैनेज करती है जिसके तहत मूवमेंट ऑफ मटेरियल या सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। मींस मैनेजिंग द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल इज ऑपरेशन। ऑपरेशंस मैनेजमेंट का काम प्लान करना है, एग्जीक्यूट करना है और लीड करना है प्रोसेसेस को और फंक्शंस को, जबकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक मैक्रो मैकेनिज्म का नाम है जो कि एंड टू एंड सप्लाई चेन को प्लान करती है, एग्जीक्यूट करती है, डिज़ाइन करती है और कंट्रोल करती है। ऑपरेशंस मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, प्रोडक्ट और सर्विसेज को क्रिएट करना है, इम्प्रूवमेंट लेके आना है प्रोसेसेस में, और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिलीवर करना है। जबकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो ओवरऑल वैल्यू को जो है वो क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल ऑपरेशंस, कॉस्ट को रिड्यूस करना है, कैश फ्लो को इम्प्रूव करना है और रिस्क को मिटिगेट करना है थ्रू आउट दी चेन ऑफ सप्लाई। सो द बॉटम लाइन इज कि इफ देर इज़ नो ऑपरेशन देर इज़ नो सप्लाई चेन मैनेजमेंट। बल्कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, इफ देर इज़ नो ऑपरेशंस देर इज़ नो फाइनेंस मैनेजमेंट, देर इज़ नो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, देर इज़ नो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। दिस इज़ वाई द ऑपरेशन इज़ द हार्ट बीट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आई होप कि आज की वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ ज़रूर समझा होगा, और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर से तो आपका कोई क्वेश्चन हो या अगर से तो आप इसमें कोई फर्दर वैल्यू ऐड करना चाहें, देन यू आर वेलकम इन द कमेंट सेक्शन।